भैया उनकी उसको याद रखो, उनकी जो उन शहीदों की कुर्बानी को, उन्होंने देश खातर कितनी कुर्बानी दी, अपने उन्होंने अपनी जान की बलिदान दे दी, पर उन्हें अपनी देश की सेवा का, भारत माता की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने, उन्होंने सिर्फ भारत माता की आन की सोची और अपने जीवन बलिदान कर दिया। सर मैं शहीद की फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं 18 नवंबर पे मेरा फादर इन लॉ शहीद हुए हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे आए मेरे मदर इन लॉ के साथ। मैंने यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, हमें हर बार हर 18 नवंबर पर यहाँ पर बुलाया जाता है और अच्छे से रिस्पेक्ट से और अच्छा खाना और अच्छे मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, बहुत ही। दैनिक साथी हरियाणा, मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों 18 नवंबर हरियाणा ही नहीं देश के लिए बेहद गौरव पल का दिन है और कहीं ना कहीं 18 नवंबर 1962 के दिन वो इतिहास लिखा गया था, शायद ही रिपीट हो पाए दुनिया ही, पूरी दुनिया में ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 की लड़ाई इतिहास में दर्ज है। और जो सबसे ऊंचाई पर जो लड़ाया गया युद्ध था उनमें से शुमार है, कहीं ना कहीं हर भारतवासी खासकर अहिरवाल के लोग गौरवान्वित हैं, क्योंकि जिस तरह से चीनी सेना को जवाब दिया गया था, हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था, वह भी मैच हमारे 114 सैनिक जो कि शहीद हुए थे, अधिकतर जो ज़्यादातर उसमें सैन्यकर्मी थे अहिरवाल क्षेत्र से थे। गुड़गांव की बात कर ले, रेवाड़ी की बात कर ले, महेंद्रगढ़ की बात, तमाम वो सैनिक थे जिन्होंने अपनी शहादत दी थी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। 18 नवंबर ही आज वो दिन है, सेलिब्रेट किया जाता है उन शहीदों के सम्मान में। तमाम डिग्निटरीज यहाँ पर पहुँची थी, रेवाड़ी के रजांगला जो स्मारक है यहाँ पर पहुँची थी, आप देख सकते हैं कि 18 नवंबर उनके जो सम्मान में ये पोस्ट बनाई गई है, स्मारक बनाया गया है। 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार, तमाम यहाँ पर एक वीर गाथा लिखी गई है मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में। इस युद्ध की खास बात ये भी थी कि रेवाड़ी के दो भाइयों ने अपनी शहादत दी थी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रजांगला सूर्य दिवस जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तमाम जो शहीदों के वीरांगनाएं हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। तमाम इस तरह की चीज़ें होती हैं कि तमाम, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सैनिक शहीद देता है उसके सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम जरूरी हैं और आज उसी तरह से उसको सेलिब्रेट किया गया। रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा यहाँ पर पहुँचे थे, आईजीयू के यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर जेपी यादव वो भी यहाँ पर पहुँचे, तमाम जो यहाँ पर सैनिकों की वीरांगनाएं उनको सम्मानित किया गया। कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया कि आने वाले समय में जो भी रजांगला सूर्य समिति है उनकी ओर से जो मांगे रखी गई हैं उनको पूरा कराया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि आज के दिन तमाम जो युवा हैं उनको भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत है, जिस तरह से नशे में लगातार लिप्त होते जा रहे हैं उससे बचने के लिए इन वीर सैनिकों से प्रेरणा लेने का आज का दिन है और बेहद अहम है आज का दिन उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मामले पर बटे नजर आते हैं। जब राष्ट्र की बात आती है, जिस दिन ये लड़ाई लड़ी गई थी 18 नवंबर 1962 दीपावली का दिन था, हम अपने घरों में कहीं ना कहीं दीपावली मना रहे थे, अपनों के बीच मिठाइयाँ बांट रहे थे, लेकिन हमारे जो वीर जो शहीद सैनिक थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तमाम चीज़ों को भुलाकर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की शहादत दी थी। ऐसे में हम उन तमाम सैनिकों को कहीं ना कहीं नमन करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका सम्मान करते हैं। सभी की जरूरत है कि तमाम जो युवा हैं उनसे प्रेरणा लें। जी साहब, आज रजांगला डे क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, आज बहुत ही बड़ा पवित्र दिन है, 18 नवंबर 1962 को आज ही के दिन रजांगला की धरती पे इस जिले और आसपास के ज़िलों के तकरीबन 110 लोग शहीद हुए थे चीन से युद्ध करते हुए, और उनकी जो वीरता है, उनकी जो कहानियां हैं, उसके चर्चे हैं पूरे शहर में, पूरे ज़िले में विख्यात हैं, प्रख्यात हैं, और उनका जो नाम है वो जब से मैं ज़िले में आया हूँ तब से लगातार सुनने को आया मिलता है, और उनके लिए एक बहुत बड़ा क्षण है मेरे लिए भी ये कि आज हम लोग उनको एक नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी वीरता को याद कर रहे हैं, कैसे 120 लोगों ने 3000 के ब्रिगेड का सामना किया और वीरता से सामना किया, तो उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है और हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ा दिन है आज के दिन। एक अहिरवाल के तमाम अधिकतर लोग उसमें शामिल थे, एक बड़ा मैसेज विश्व में एक इतिहास में दर्ज है, आप भी यूथ हैं, क्या मैसेज देंगे आज के टाइम में? कितना हमें उनकी जो वीरता है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के हित में, देश के सम्मान में
देश की सुरक्षा के लिए आज हमें खड़ा होना चाहिए, चाहे वो हम सेना के माध्यम से हो, अर्धसेना के माध्यम से हो, पुलिस के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, लेकिन हमें जो देश की एकता है उसको कहीं ना कहीं अखंडित रखना चाहिए और वही एक मैसेज उस वीरता की लड़ाई से हम ले सकते हैं। जिससे अब एक और हमारा एक गौरवशाली इतिहास है, दूसरे नशे की तरफ युवा बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या प्रशासन की ओर से? प्रशासन की तरफ से हमेशा से जो प्रयास रहा है कि एक शिक्षा पे फोकस हो, साथ में खेल पे फोकस हो, ताकि जो बच्चे हैं नशे की बजाय शिक्षा पे अपना ध्यान दें, स्पोर्ट्स पे अपना ध्यान दें और शिक्षा के माध्यम से चाहे अच्छी नौकरियों में आए, अच्छी जॉब्स लगे और खेल कूद के माध्यम से खेलों में जाए, नहीं खेलों में नहीं जाए तो सेना अर्धसेना में भर्ती हो, ये मेरा मैसेज। कुछ मांगे भी इनकी ओर से रखी गई थी जो शौर्य समिति थी? बिल्कुल, उन मांगों पे विचार किया जाएगा और जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, पूरी होनी चाहिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी पूरा करूं। एक मैम, आज का दिन बेहद गौरवशाली है, खासकर अहिरवार के लिए, क्या मैसेज देंगे आप भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे? देखिए, आज यहाँ पर बैठकर वीरों की अनूठी दास्तान और शहीदों के इतिहास की यहाँ पर जो चर्चा हुई है वो ये बताती है कि ये वीर अहिरों की भूमि है, अहिरवाल की भूमि है, जहाँ से जो वीर हैं भारत माँ की सेवा करने को जाते हैं और शहादत जिस प्रकार से कहा जाता है कि शहीदों की खान रेवाड़ी है, तो आज सभी ने बैठ कर श्रद्धांजलि दी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम सब उन वीरों को नमन करें और साथ के साथ जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, वो समझे इस शहादत का मतलब क्या है, देश के लिए शहीदों ने क्या किया है। वो सिर्फ इस चीज़ में ना रह जाए कि जो आज हो रहा है सब कुछ बढ़िया हो रहा है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना रखें और सम्मान भी करें और ये भी जाने के लिए देश की तरफ हमें क्या करना चाहिए। दिवाली का दिन जिन था जिन्होंने युद्ध लड़ा गया वो भी वापस आ सकते हैं, उनको मैसेज भी दिया गया वापस लौटाएं, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को प्राथमिकता दी और उनके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के संदर्भ में, क्योंकि हम कई बार बटे नजर आते हैं जब राष्ट्र का मामला आता है, क्या मैं कहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने अभी आपको कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने शहादत दी है, वापस भी आ सकते थे लेकिन उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा। आज ज़रूरत है कि हमारा बच्चा बच्चा इस चीज़ को जाने कि अगर हम सब एक रहेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूथ नशे की ओर लगातार तमाम इस तरह के मामले आ रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं और क्या मैसेज देंगे इस तरह के? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उनको मेहनत करना सिखाना भूल गए हैं। हमें ये लगता है कि जो उनको आरामदायक चीज़ें हैं वो उनको मिलती रहनी चाहिए, तो मुझे लगता है पेरेंटल की तरफ से भी और कहीं ना कहीं समाज की तरफ से भी इस तरह के मैसेजेस होने चाहिए और साथ के साथ मैं ये भी मानती हूँ कि सबको मिलकर इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए ताकि हमारा युवा जो है वो नशे की तरफ नहीं जाए, देश के लिए कंस्ट्रक्टिव चीज़ें सोचे, देश को आगे बढ़ाने का काम करे। सर, आज यहाँ पर पहुँचे, बेहद महत्वपूर्ण गौरवशाली दिन है आज के दिन, किस तरह का मैसेज देंगे आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और जो हमारे वीर सैनिक जिन्होंने वीरगति पाई देश की रक्षा के लिए, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि और उनको सत सत नमन करता हूं। आज मैं सुबह ही आके उनकी याद में जो हवन का आयोजन किया गया, मैंने उसमें हवन में भी भाग लिया और उन वीर सैनिकों की याद में हवन किया गया, हवन करके पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो ये 18 नवंबर 1962 का दिन एक बहुत यादगार दिन है और जो हमारे वीर सैनिक जो 114 सैनिकों ने, जो मेजोरिटी इस एरिया के थे, उन्होंने अपनी शहादत दी, उन्होंने वीरगति पाई और जो हमारा लद्दाख का जो क्षेत्र है उसको चीन में जाने से बचाया, नहीं तो चीनी जो आक्रमण करके उस क्षेत्र, उनका ये इरादा था कि उस क्षेत्र को हम कब्जा कर लें, तो उन शहीदों की वजह से ही हम उस क्षेत्र को बचा सके। और उस टाइम की बात है, 16,000 फीट की ऊंचाई पे जो चुसूल का क्षेत्र है वहाँ ये रेजांगला है और 16,000 फीट की ऊंचाई पर है तो दुर्गम क्षेत्र है। तब ये सैनिकों को, इनको, इनकी जो 13 कुमाऊं बटालियन है, उनको आदेश मिला कि आपको वहाँ लद्दाख के क्षेत्र में पहुँचना है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। और तब ये जवान वहाँ पहुँचते हैं और इनको उस क्षेत्र का रक्षा के लिए जिया जाता है, इस क्षेत्र को आप देखेंगे। हालांकि इनको ये था कि पीछे से भी और सैनिक आएंगे, पर रास्ते दुर्गम थे, बर्फ ज़्यादा थी और वहाँ पे जाने के लिए जैसे जोजिला पास में सबसे पहले तो बर्फ़ आती है, उसके बाद चांगला पास भी बर्फ़ से ढका रहता है, तो वहाँ उस टाइम जो सड़क की जो स्थिति होती है, आज की जो स्थितियाँ उससे
के मुकाबले में सुविधाएं ना के बराबर थी। और जो वीर सैनिक जो लड़े वो हम उनके पास ना दस्ताने थे ना ये मॉडर्न इक्विपमेंट थे, पर उन्होंने जो इक्विपमेंट LMG उनके पास थी उनके साथ ही जो हथगोले थे उनके साथ लड़ाई की। और लगभग 3000 सैनिक जो चीन के थे उनके साथ उन्होंने युद्ध किया, और उसमें से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि 1300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। तो उन्होंने जितने भी सैनिक थे किसी की पीठ में गोली नहीं थी, सबके छाती में गोली थी, क्योंकि उन सैनिकों ने कोई LMG लेते हुए डेड पाए गए, कोई हाथ में हथगोला लिए हुए जो बर्फ़ में दबे मिले थे। तो उसका बाद में सारा खोजा गया और उसके सबसे नज़दीक थी 8 प्लाटून थी, तो सबसे पहले खबर उन प्लाटून को दी। तो वहाँ पे एक सैनिक रामचंद्र थे, उन्होंने कहा कि जब वो प्लाटून आई, एक जीप आई, तो उन्होंने कहा कि सारी जो हमारी बटालियन है वो शहीद हो गई है साहब। तो उन्होंने उसे प्लाटून जब उन्होंने जाके देखा, कहा वास्तव में पूरी जो प्लाटून है वो शहीद हो गई है। तो वो उन शहीदों की याद में रेजांगला शौर्य समिति जो हर साल ये कार्यक्रम करती है, वो बधाई के पात्र है कि उन सैनिकों को इस अवसर पर याद किया जाता है। और वो वीर सैनिक जब तक ये धरती पृथ्वी चांद रहे तब तक उन सैनिकों का नाम रहेगा, क्योंकि उन्हीं जो 13 कुमाऊँ जो रेजिमेंट है वो आज सबसे सम्मानित एक सेना की रेजिमेंट है। उन्हीं के जवानों को इतने जो वीरता के पुरस्कार उन्होंने पाए हैं। और ये कुमाऊँ रेजिमेंट है, ये कुमाऊँ रेजिमेंट में जो सैनिक लिए जाते हैं उसमें हरियाणा है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश के, उन सैनिकों को मिलाकर उसमें ये कुमाऊँ रेजिमेंट बनी है। और उस में हरियाणा से ये हैरवाल के इलाके से जो सैनिक लिए जाते हैं उस कुमाऊँ रेजिमेंट में आज भी लिए जाते हैं। सर, हैरवाल के लिए बहुत बेहद गौरव का दिन है, क्योंकि जिस तरह से तमाम लोग हैरवाल के थे अधिकतर जो उसमें जाते थे। हाँ, तो आज के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रासंगिक है वो जो उनका बलिदान, और यूथ के लिए आज कितना प्रासंगिक है वो? यूथ को ये प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि उसमें उन्होंने अपना फ़ायदा ना छोड़ कर देश की रक्षा के लिए जो उन्होंने अपने प्राण दिए, तो ये आह्वान लेने की ज़रूरत है यूथ के लिए। हम अपने देश की रक्षा के लिए, हमारे पास कितनी भी मुश्किलें हों, कितने भी संसाधनों की कमी हो, हम देश की रक्षा के लिए अपनी जान नौछावर करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि तभी हम देश में संरक्षित रह पाएंगे। और वो तो दिवाली की रात थी, 1962 में 18 नवंबर को दिवाली थी, हम अपने घरों में चैन से सो रहे थे। तो ये भी बात है कि चैन से सोने के बजाय जब देश पे कोई मुसीबत आए तो हम उठकर जग खड़े हों और अपनी ताकत से उनका मुकाबला करें, जो दुश्मनों की ताकत है उससे मुकाबला करें। और युवाओं से ये भी आह्वान है कि हम देश को विकसित बनाने के लिए हम कर्तव्य प्राण रहें, क्योंकि हम अधिकारों की तो बात करते हैं पर कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो ये कर्तव्य प्राण होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे व्यापार में हैं, और अपने एथिक्स को बनाए रखें और परस्पर मिलकर रहें। और उसमें तो ये भी भावना मिलती है कि वहाँ उस युद्ध में सगे भाई भी उन्होंने भी वीरगति पाई, जीजा साला, हाँ दो सगे भाई भी, जीजा साला भी उसमें जो उन्होंने भी वीरगति पाई है।